मुझे मना नहीं कर पाता था। जैसे ही मैं पलकें झपकाती और प्यार से मुस्कुराती, मैं जो चाहूँ मुझे वो मिल जाता था। मेरी खूबसूरती की वजह से लोग मेरी हर गलती को माफ कर देते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे ये सब कुछ बदल गया। हेलो, मेरा नाम विकी है और ये मेरी स्टोरी है। ये यकीन करना मुश्किल होगा कि मैं और मेरा भाई बुद्धि ट्विंस हैं। हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आई इवन जोक्ड अबाउट हाउ ही गॉट ऑल द नर्डीनेस एंड आई गॉट ऑल द ब्यूटी। हम कभी कुछ खास क्लोज नहीं थे, पर एक दिन उसके मन में मेरे लिए और ज्यादा गुस्सा भर गया। हम गेस्ट के आने की तैयारी में अगर मैं किसी से कुछ मांग लेती थी तो कोई मुझे मना नहीं कर पाता था। जैसे ही मैं पलकें झपकाती और प्यार से मुस्कुराती, मैं जो चाहूँ मुझे वो मिल जाता था। मेरी खूबसूरती की वजह से लोग मेरी हर गलती को माफ कर देते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे ये सब कुछ बदल गया। हेलो, मेरा नाम विकी है और ये मेरी स्टोरी है। ये यकीन करना मुश्किल होगा कि मैं और मेरा भाई बुद्धि ट्विंस हैं। हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आई इवन जोक्ड अबाउट हाउ ही गॉट ऑल द नर्डीनेस एंड आई गॉट ऑल द ब्यूटी। हम कभी कुछ खास क्लोज नहीं थे, पर एक दिन उसके मन में मेरे लिए और ज्यादा गुस्सा भर गया। हम गेस्ट के आने की तैयारी में जुटे थे और मॉम ने मुझे एक नई ड्रेस पहनाकर तैयार किया था। विकी, यू लुक लाइक अ डॉल। ऑफ कोर्स मैं अपना नया आउटफिट शो ऑफ करना चाहती थी, इसलिए गेस्ट के आने का वेट करने की बजाय मैं चोरी से अपने फ्रेंड के घर चली गई। वो मेरे घर के बगल में ही रहती थी। हम खेलने कूदने में इतना ज्यादा खो गए थे कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। और मुझे तब होश आया जब मैंने बुडी की आवाज़ सुनी। विकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गेस्ट कब का आ गए हैं? सब लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। वापस आते वक्त मेरी ड्रेस एक कील में अटक गई और फट गई। मुझे डर लग रहा था कि अब मुझे काफी डांट पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सब कुछ अपने भाई पर थोप दूंगी। इट वॉज सो इजी। मुझे बस मायूस चेहरा बनाकर मुंह फुलाना था। वुडी मुझे जबरदस्ती खींचते हुए घर ला रहा था, इसलिए मैं गिर गई और मेरी ड्रेस फट गई। मामा, मॉम और डैड मेरे भाई पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे शांत कराया और प्रॉमिस किया कि वो मेरे लिए ढेर सारी नई ड्रेसेस लेके आएंगे। तब से मेरी गलती होने के बावजूद हर बार मेरे भाई को सजा मिलती थी और मुझे बस शॉपिंग करने का चांस मिलता था। अगले दिन वादे के मुताबिक मेरे पेरेंट्स मुझे शॉपिंग पर ले गए। मैं मिरर्स के सामने गोल गोल घूमकर बिल्कुल प्रिंसेस जैसा फील कर रही थी। तभी अचानक एक आदमी मेरे पेरेंट्स के पास आया और खुद को मॉडलिंग एजेंट बताया। हमारे चिल्ड्रंस फैशन मैगजीन के लिए नए मॉडल्स की तलाश कर रहे हैं हम। आपको कास्टिंग के लिए हमारे यहाँ आना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है और वो हमारी एजेंसी की नई स्टार बन सकती है। इस तरह मेरा मॉडलिंग करियर शुरू हो गया। फोटोशूट्स, कॉन्टेस्ट, फैशन शोज, ये सब मेरे सर चढ़ गया। मेरे पेरेंट्स मुझे आइडियलाइज करने लगे और पहले जो काम मेरे और वुडी के बीच में इक्वली बटे थे, अब वो सारे के सारे मेरे भाई को करने पड़ते थे। ऑफ कोर्स इसकी वजह से वो मुझसे और दूर और नाराज हो गया और हमारे बीच बिल्कुल बात होनी बंद हो गई। बट आई रियली डोंट केयर, क्योंकि मैं एक स्टार थी। स्कूल में सब मेरा अटेंशन पाना चाहते थे, इसलिए मुझे बिना किसी पढ़ाई लिखाई के आसानी से अच्छे मार्क्स भी मिल जाते थे। All I had to do was bat my eyelashes and some nerd would do everything for me. एक दिन केमिस्ट्री क्लास में मुझे ऐसे ही एक लड़के के साथ पेयर अप कर दिया गया जो बोरिंग होने के मामले में मेरे भाई को भी टक्कर दे सकता था, बॉब पीटर्स। सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा। तुम्हारी ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी, अब देखो और सीखो। वो मेरे सामने टेस्ट ट्यूब सिलाने लगा और सब कुछ समझाने लगा जैसे कि वो कहीं का प्रोफेसर हो। मैं खुद भी ये सब कुछ कर सकती थी, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी थी। मैंने कई सारे फ्लास्क लिए और एक बड़े ऐसे टेस्ट ट्यूब में सारे